हे चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। आई जगह और इंग्लिश की दुपोरी यहाँ पे लग गई, सॉरी गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपने पोको एक्स टू में फिर से स्टॉक एंड्रॉयड रोम इंस्टॉल किया है, और इस रोम का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें मी यूआई का कैमरा आपको देखने को मिलता है। जिनको गूगल का कैमरा पसंद नहीं आता है स्टॉक एंड्रॉयड रोम्स में, उनको फाइनली मी यूआई का कैमरा बहुत सारे रेडमी के फ़ोन्स के लिए देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर पोको एक्स टू को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी फ़ोन्स के लिए बोल रहा हूँ जो रेडमी के फ़ोन्स आते हैं 13, 14, 15 हज़ार में। उनमें आपको यार बहुत सारे कस्टम रोम्स देखने को मिलते हैं, और उनमें फाइनली शाओमी का MIUI का कैमरा इंक्लूड हो रहा है, और सभी फीचर यहाँ पे बेस्ट, मतलब 100% वर्किंग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्लो मोशन हो या माइक्रो, जिन फोन में माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है वो भी यार काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और यहाँ पे फुल्ली स्मूथ स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है, और मतलब लैग फ्री यार, लैग फ्री। जब मी यूआई आप यूज़ करके एक स्टॉक एंड्रॉयड पे स्विच हो जाओगे तब भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। बहुत सारे कम ऐप्स देखने को मिलते हैं, इसलिए फ़ोन हीट भी नहीं होता और लैग भी आपको देखने को नहीं मिलता। सो यहाँ पे मैं देखा देता हूँ एक कस्टम रोम्स कौन सा है एंड्रॉयड अबाउट फोन में आने के बाद। यहाँ पे देख सकते हो हैवेक OS, ये सबसे बेस्ट रोम है, मतलब कस्टम रोम्स में। मैंने पर्सनली मी A1 में 2 मंथ यूज़ किया था 2017 में, उसके बाद यार ये फिर से रोम यूज़ करने का मुझे मौका मिला 2020 में पोको एक्स टू में। बेस्ट, मतलब बेस्ट कस्टम रोम है गाइस ये, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एंड्रॉयड 10 के जो नेविगेशन गैजेट्स है काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं, और यहाँ पे यार इस रोम का बैटरी बैकअप मैं चेक करने वाला हूँ और फुल्ली टेस्ट करने वाला हूँ पबजी गेम प्ले अपने पोको एक्स टू में, और बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज, मुझे कमेंट्स करके बताना कि इस रोम का फुल रिव्यू आपको किन किन चीज़ों का चाहिए, और कल ये वीडियो आ जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है, और साइड वाला जो बेल आइकन है वहाँ पे जाके ऑल पे प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।